नमस्ते कार लवर्स, वेलकम टू माय चैनल कार डील्स एंड आई एम कनिष्क सत्यम। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में जो कार है वो है रेनो की तरफ से ऑफर करी गई इंडियन कस्टमर्स को उनकी मिनी एसयूवी। इट्स द ऑल न्यू रेनो काइगर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है। और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि ये कार कैसी लगी, इसके फीचर्स कैसे लगे, और कोई रिक्वेस्ट हो आपकी जो आप चाहते हैं कि मैं उस कार पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले मैं इसके नाम की बात करना चाहूँगा, विच इज़ रेनो काइगर। काइगर जो नेम है वो दो नामों से मर्ज हो गया, एक नाम बना है, के फ्रॉम द क्विड एंड आइबर फ्रॉम द ट्राइबर। तो कंपनी का ये क्लेम है कि क्विड के डायमेंशन में आपको ट्राइबर जितनी स्पेस देखने को मिलती है उतने फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हम चेकआउट करते हैं कि क्या सच में ये नाम इस पर फिट बैठता है। अगर मैं बात करूँ इसके क्लोजेस्ट कंपटीटर की, तो इसका क्लोजेस्ट कंपटीटर है निसान की मैग्नाइट। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट बहुत सारी चीज़ें शेयर करती है, उस प्लेटफॉर्म दोनों का एक ही है, लेकिन देखते हैं कि फीचर्स में कौन सी ज़्यादा एनरिच है। सबसे पहले बात कर लें इसके फ्रंट लुक की। फ्रंट का जो लुक है वो दूर से आपको थोड़ा क्विड जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा अपराइट है। इसके सस्पेंशन उससे बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर आपके क्विड है और यहाँ पर एक काइगर है, तो डिफरेंस आपको देखने में ही पता चलेगा। सबसे पहले आपको मैसिव क्रोम में रेनो की बैजिंग देखने को मिलती है एंड यहाँ पर क्रोम के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडजॉइनिंग यहाँ पर कुछ DRLs का वर्क देखने को मिलता है, ऑल LED DRLs काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको ट्राई ऑक्ट्रा LED लाइट्स देखने को मिलेगी, जो इसकी हेडलाइट्स हैं, मेन हेडलाइट्स। ये दोनों जो है वो नॉर्मल लो बीम के लिए एंड दिस वन इज़ फॉर द हाई बीम, बहुत ही क्लियर लाइट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लैक एलिमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद बम्पर की बात करूँ तो डुअल टोन है बॉडी पेंट के हिसाब से एंड थोड़ा सा ब्लैक का यूसेज कर रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हुड की बात करूँ तो हुड भी काफ़ी मैसिव है और ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंशिएटेड और काफ़ी यूनिक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉशर की प्लेसमेंट दे रखी है। उसके बाद अगर बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सबसे पहले आपको व्हील में बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिल रही है, थोड़ी थोड़ी आपको थ्रू आउट द बॉडी देखने को मिलेगी, व्हील के जो ऊपर वो काफ़ी वाइड है। उसके बाद व्हील की बात करूँ तो सबसे पहले आपको डुअल टोन डायमंड के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी यूनिक इनका डिज़ाइन विद रेनो की बैजिंग। और जो टायर का साइज़ है वो है 16 इंचेस का, 195 सेक्शन के टायर है, काफ़ी अच्छे टायर है। और अगर बात करूँ इसके व्हील का ट्रैवल की, तो व्हील का ट्रैवल भी अच्छा खासा है, थोड़ा सा एक्सपोज सस्पेंशन आप यहाँ देख सकते हैं। RXZ इसके वेरिएंट के बैजिंग देखने को मिलती है, थोड़ा सा पियानो ब्लैक का यूसेज एंड अनदर पियानो ब्लैक की यूसेज आपको ORVM में देखने को मिलती है एंड ऊपर आपको डुअल टोन देखने को मिलती है। अगर बात करूँ इसके कलर की, तो इसमें आपको 6 कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है विद डुअल टोन, बहुत ही कम कार्स में आपको डुअल टोन ऑफर होता है। विद टर्न इंडिकेटर्स प्लेसमेंट यहाँ पर है। डोर हैंडल्स की बात करूँ तो बॉडी पेंट के हिसाब से। उसके बाद अगर बात करूँ इसके रूफ रेल की, तो काफ़ी अच्छे रूफ रेल्स हैं, थोड़ा सा SUV-ish फील आपको यहाँ दे सकते हैं, बट दीज आर नॉट वर्किंग। उसके बाद रियर प्रोफाइल की चेकआउट करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग पियानो ब्लैक फिनिश में स्पॉयलर देखने को मिलता है। बीच में स्टॉप लाइट की प्लेसमेंट एंड थोड़ी सी यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से हाइड करा गया। यहाँ पर आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, रेनो नोएडा की स्टिकर देखने को मिलता है। उसके बाद ग्लास का एरिया जो है वो काफ़ी मैसिव है एंड थोड़ा सा छोटा सा ईस्टर एग आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा ये टाइगर्स के साथ बैठी है, काइगर विद टाइगर्स। उसके बाद रियर वाइपर की प्लेसमेंट यहाँ पर है। उसके बाद रेनो की क्रोम में बैजिंग देखने को मिलते हैं, काइगर की बैजिंग देखने को मिलते हैं, रेनो की एक और बैजिंग देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक कट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करूँ हेडलाइट की, तो ऑल LED ब्रेक लाइट के लिए, बट जो टर्न इंडिकेटर्स है और जो रिवर्स की लाइट है वो बल्ब लाइट है, सी शेप्ड, काफ़ी अच्छी लग रही है एंड ये थोड़ा सा गैप है। उसके बाद अगर बम्पर की बात करूँ, तो बम्पर आपको डुअल टोन ही देखने को मिलता है, ब्लैक एलिमेंट एंड थोड़ी सी सिल्वर स्किड प्लेट। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, आगे से भी और ज़्यादा इन्हांस्ड है। उसके बाद रियर में आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने मिलता है और जो रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट है वो इसके बीच में यहाँ पर काफ़ी डिफरेंशिएटेड है एंड यहाँ पर ये जो है वो रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट है। हाइड्रोलिक्स के थ्रू ऑटोमेटिकली ऊपर जा चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पार्सल ट्रे ऑफर होती है,
जो काफ़ी अच्छी खासी है, आप उसमें सामान अच्छे से रख पाएंगे जो थ्रेड से लगी है। उसके बाद अगर बात करूँ इसके बूट की, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस कार के बारे में इसका बूट, इसके कॉम्पिटिटर्स जो है आपका निसान मैग्नाइट, उससे तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव बूट आपको यहाँ देखने में ऑफर होता है 405 लीटर का। निसान मैग्नाइट में अराउंड आपको 330 लीटर्स का होता है, यहाँ आपको 405 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर होता है। और जो इसका लोडिंग लिप है वो थोड़ा सा हायर साइड पे, थोड़ा सा आपको सामान उठा कर रखना पड़ेगा, काफ़ी डीप है लेकिन जो लोडिंग लिप है वो थोड़ा सा हायर साइड पे। उसके बाद एक चीज़ यहाँ छोटी सी मिसिंग है, वो है इसकी लाइट, वो आप एज एन एक्सेसरी इसमें ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद नीचे चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ आपको विदाउट अलॉय व्हील्स स्पेयर टायर देखने मिलता है, जिनकी स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर्स, और ये 15 इंचेस के टायर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट नहीं दे रखी, तो आपको यहाँ से ऐसे बंद करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो पे। सबसे पहले डोर की स्प्रेड की बात करूँ तो डोर का स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा खासा ऑफर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है, वैसे तो ऑल ब्लैक ही है लेकिन ये जो थोड़ी ग्रेज की लाइनिंग है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। उसके बाद रेट्रो स्टाइल आपको डोर लॉक एंड अनलॉक, और पियानो ब्लैक में डोर हैंडल्स, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल, थोड़ी स्टोरेज स्पेस, 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस एंड थोड़ी स्टोरेज स्पेस, एंड यहाँ मैसिव स्पीकर। इस कार में आपको 4 बिग स्पीकर्स एंड 4 स्मॉल ट्विटर स्पीकर देखने को मिलते हैं, 3D सराउंड सिस्टम क्वालिटी है इसमें। उसके बाद अब क्लाइम करते हैं इसके अंदर, डोर की साउंड काफ़ी अच्छी है। ये जो सीट है ड्राइवर की वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड, स्टिल मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा नी रूम यहाँ देखने को मिल रहा है। कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ आपको 202 mm का नी रूम ऑफर होता है, और जो बिल्कुल सच बात है, देख सकते हैं आप कितना प्लेंटी ऑफ नी रूम यहाँ मेरे को मिल रहा है। एंड अंडर थाई सपोर्ट का तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा अंडर थाई सपोर्ट यहाँ ऑफर करती है कार। उसके बाद ड्राइवर इनको पसंद की सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर्स देखने को मिलते हैं। अनदर गुड थिंग, यहाँ आपको रियर एसी के वेंट्स देखने को मिलते हैं, यूजुअली इन टाइप ऑफ कार्स में नहीं देते मैन्युफैक्चरर, थोड़ी कॉस्ट कट कर लगते हैं, बट यहाँ मिलता है। एंड एक और अच्छी चीज़ कि यहाँ 12 वोल्ट सॉकेट का चार्जर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करूँ कि यहाँ कितने लोग बैठ जाएंगे, तो आराम से यहाँ 3 लोग बैठ जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर 2 लोग हैं तो बीच में आप ये आर्म रेस्ट निकाल सकते हैं, और यहाँ पर ट्विन कप होल्डर्स, और यहाँ फ़ोन रखने की जगह, और इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छी चीज़ जो प्रिसाइजली करी गई है कि यहाँ पर ये स्टिचिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, पूरे इंटीरियर ऑल ब्लैक विद दिस स्टिचिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड आपको रियर में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, अनदर गुड थिंग, गुड पॉइंट ऑफ दिस कार। उसके बाद यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक लाइट है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्रैब हैंडल की प्लेसमेंट ऐसी वाली है विदाउट एनी कोट हुक। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ हेडरूम की, तो मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, स्टिल मेरे को इतना अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब चलते इसकी ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले आपको कीज दिखाना चाहूँगा। रेनो की बैजिंग आती है, 4 बटन आते हैं, डोर लॉक अनलॉक, थोड़ी सी लाइट, पार्किंग लाइट अगर आपको ऑन करनी है, एंड बूट ओपनर। उसके बाद रिक्वेस्ट सेंसर मिसिंग है यहाँ पे। सबसे पहले डोर की बात करूँ तो ग्लास का एरिया ऑफर जो कर रखा है वो काफ़ी अच्छा है, रेट्रो स्टाइल डोर लॉक अनलॉक, पियानो ब्लैक में डोर के हैंडल्स, एंड डोर का जो स्प्रेड है वो 90 डिग्री यहाँ आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ आपको हैंडल देखने को मिलता है, एंड इसी में थोड़ी एमिड लाइटिंग है। अंदर जाके बात करते हैं, पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिलता है, ओआरवी को कंट्रोल, एंड यहाँ पर स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी मिसिंग है, यहाँ आपको 1 लीटर बॉटल की स्पेस, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, यहाँ मैसिव स्पीकर एंड ट्विटर स्पीकर यहाँ अभी मिसिंग है। उसके बाद अगर बात करूँ सबसे पहले ड्राइवर की सीट की, तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कुशनिंग है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है, एंड काफ़ी अच्छे से कुशनिंग करी गई है। उसके बाद ये जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल भी है, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्लाइम करते हैं इसके अंदर, अब सबसे पहले इस कार को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो काफ़ी बटरी स्मूथ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप कितने आराम से मैं इसको कर सकता हूँ। पावर स्टीयरिंग है, हम्स देखने को मिलते हैं, बटन्स देखने को मिलते हैं इसमें, यहाँ पे आपको सारे MID डिस्प्ले के लिए, एंड ये जो सारे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, वॉल्यूम अप डाउन मोड, वॉइस कमांड। उसके बाद यहाँ आपको पियानो ब्लैक फिनिश का थोड़ा सा यूसेज देखने को मिलता है, क्रोम में रेनो की बैजिंग देखने को मिलती है, एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करूँ मैं एयरबैग्स की, तो इस कार में आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ अनदर गुड थिंग अबाउट दिस कार। बाकी इसके कंपटीटर्स में 2 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें 4 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सारी कार्स में आई शुड से 4 होने चाहिए, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही थोड़ा सा वर्क देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील के राइट साइड आपको हेडलाइट्स के लिए देखने को मिलता है, एंड लेफ्ट साइड आपको वाइपर के लिए देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करूँ इसके MID डिस्प्ले की, तो काफ़ी अच्छा MID डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। मैं आप दोबारा कार स्टार्ट करके बताता हूँ कि कैसे करता है।
सबसे पहले आपको ये थोड़ा सनशाइन का व्यू दिखा रहा, उसके बाद यहाँ आपको काफ़ी अच्छा सा एनिमेशन देखने को मिलता है, मैग्नाइट में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको इस कार में तीन मोड दे रखे हैं, नॉर्मल, ईको एंड स्पोर्ट। तो जैसे मैं इसके मोड चेंज करूँगा तो MID डिस्प्ले देखिए आप। अब मैं इसे थोड़ा स्पीड में डाल देता हूँ, तो ये है आपका स्पोर्ट मोड, तो ये थोड़ा सा रेड हो चुका है, थोड़ा एग्रेसिव, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको हॉर्स पावर की प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, यहाँ न्यूटन मीटर्स की विच इज टॉर, बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है थोड़ा सा हायर साइड पे, जो थोड़ा सा गलत है। राइट में आपको फ्यूल का इंडिकेटर देखने को मिल रहा है एंड लेफ्ट में आपको कूलेंट का देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर दे रखा है इस टाइप। उसके बाद अगर मैं इसे ईको मोड पर डालूँ तो ईको मोड पर थोड़ा सा ग्रीन हो गया है। तो देखते हैं ड्राइव में, कि बात करते हैं कि इन मोड्स का वर्क कैसा रहता, कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद यहाँ आपको AC का वेंट देखने को मिलता है एक, एंड डुअल AC की प्लेसमेंट यहाँ पर है एंड एक और वहाँ पर। उसके बाद अगर डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड आपको यहाँ डुअल टोन देखने को मिल रहा है, ये आप थोड़ा सा एलिमेंट देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो ये डॉटेड एलिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद अगर बात करूँ इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो 20 सेंटीमीटर का आपको यहाँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है, जो टच स्क्रीन है, फ्लूइड लिक्विड इसका टच है, टच का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद AC इवेंट, उसके बाद यहाँ आपको हज़ार्ड लाइट की प्लेसमेंट, डोर लॉक्स, डिफॉगर की प्लेसमेंट, उसके बाद ये AC की नॉब्स, ये थोड़ा थोड़ा मेरे को वेन्यू की याद दिला रहा है, वेन्यू में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। उसके यहाँ बाद आपको यहाँ थोड़ी स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है एंड यहाँ पर भी आपको मैसिव स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है। इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन वो आप एज एन एक्सेसरी लगा सकते हैं। यहाँ मैं अभी इसकी कीज़ रख देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप का बटन, थोड़ी सी लाइट की प्लेसमेंट है। उसके बाद यहाँ से आप अपना USB कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपना एंड्रॉयड फ़ोन चार्ज कर सकते हैं एंड 12 वोल्ट सॉकेट का जो चार्जर की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है, काफ़ी डिफरेंशिएटेड है। उसके बाद यहाँ आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है एंड ये जो है वो है एम्बिएंट लाइटिंग के लिए। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स में आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं, वेरी गुड थिंग। उसके बाद यहाँ से आप अपने मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल, ईको एंड स्पोर्ट मोड। उसके बाद यहाँ पे है आपका हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ जो है वो है ये स्टोरेज स्पेस। आप इसको उठाइए और यहाँ पर ये थोड़ी इसको थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि ये अभी बाहर आ चुका है, ये थोड़ा सा डिफेक्ट है इस पर्टिकुलर कार में, इस सेगमेंट में नहीं है, ये थोड़ा सा डिफेक्टेड है, तो मैं इसको ठीक ज़रूर करवाऊँ। उसके बाद यहाँ आपको मैसिव स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है। उसके बाद हैंडरेस्ट आपको देखने मिलता है जो एडजस्टेबल आगे पीछे नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके ग्लव कंपार्टमेंट की, तो दो ग्लव कंपार्टमेंट आपको यहाँ देखने मिलते हैं जस्ट लाइक ड्राइवर। यहाँ पर भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस है, अनदर गुड पॉइंट ऑफ दिस कार। एंड यहाँ पर भी एक और ग्लव कंपार्टमेंट जो काफ़ी ज़्यादा मैसिव आपको यहाँ देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मैसिव है। उसके बाद IRVM की बात करूँ तो थोड़ा सा स्मॉल है और ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ऑटो डिमिंग कुड बी अ बेटर चॉइस। उसके बाद यहाँ लाइट है, बल्ब लाइट जो अभी ऑन नहीं हो रही, अभी इसकी ऑन हो गई, थोड़ी रेट्रो स्टाइल है। उसके बाद इसके सनवाइज़र की बात करूँ तो यहाँ आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है एंड यहाँ इसका टिकट होल्डर, को पैसेंजर में आपको भी एक वैनिटी मिरर देखने को मिलता है विदाउट एनी लाइट। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, सो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड है। आप ऊपर इंसुलेटर का वर्क देख सकते हैं, इवन बॉडी पैनल में आपको इंसुलेटर का वर्क देखने को मिलता है, लेकिन नीचे आपको खाली देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक टर्बो चार्ज और एक नेचुरली एस्पिरेटिव। दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट है वो है अराउंड 1000 CC, 999 CC। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो आपको देता है अराउंड 71 BHP की पावर एंड 96 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क, और जो टर्बो चार्ज इंजन है वो आपको देता है अराउंड 98 BHP की पावर एंड 152 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्यूल इकोनॉमी की, तो कंपनी तो क्लेम करती है अराउंड 20 KMPL की, लेकिन अगर आप मैं आपको सही बताऊँ तो सिटी में अराउंड आपको 15-16 KMPL की दे देगी एंड हाईवे पर अराउंड 17-18 KMPL की। अब लेके चलते हैं इसको ड्राइव में और देखते हैं इसका ड्राइव रिस्पॉन्स कैसा है। सो अब चलते हैं एक राइड पे, फर्स्ट गियर, ऑटो लॉकिंग की आवाज़ आपने सुनी, ब्रेक उठाते ही ब्रेक लगाने पड़ गए पहले तो। ओके, थोड़ा सा थोड़ी सी वोकल हो जाती है अराउंड 5000 RPM पे जाके। इसको मैं थोड़ा सा मोड चेंज करूँ, इसको थोड़ा सा मैं स्पोर्ट मोड पे अगर डालूँ
तो ये स्पोर्ट मोड पे आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनहैंस आपको पावर देखने को मिल रही है। अगर बात करूँ इंजन रिस्पांस की तो इंजन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। अभी मैं इसे थर्ड गियर पे चला रहा हूँ, हॉर्न आप सुन सकते हैं, अभी थर्ड गियर पे चला रहा हूँ, एसी के साथ थोड़ी सी रैटलिंग दे रही है, अराउंड 10 की स्पीड से उठाने पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा 2000 RPM तक जैसे आप टच करते हैं काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस कार। अभी ये जो कार है जो मेरे पास है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, दिस इज़ नॉट एन टर्बो चार्ज इंजन। तो जो टर्बो चार्ज इंजन है उसमें आपको थोड़ी पावर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप एक कार एंथुजियास्ट है, थोड़ी पावर चाहते हैं और एक फैमिली कार भी है पूरी पूरी, तो पावर विद फैमिली कार तो काइगर इज़ द बेस्ट चॉइस। उसके बाद अगर बात करूँ इसके हुड की, तो हुड जो है वो काफ़ी मैसिव है। बाहर से देखने में आपको एक कार थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगेगी, लेकिन अंदर जब आप इसके बैठेंगे तो पूरी मिनी SUV है, पूरे SUV की फील देती है। जो राइडिंग हाइट है इसकी वो भी बहुत अच्छी है, डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इस कार के। उसके बाद अगर बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी भी चारों तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफर करती है। ए पिलर भी जो है वो भी इतना मोटा नहीं है, सेफ्टी के साथ है लेकिन इतना मोटा नहीं है कि आपकी विजिबिलिटी को थोड़ा हैंडल करे। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बटरी स्मूथ आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। थोड़ा सा तो अभी जाम हो रहा, तो मैं ज़्यादा इसको मैनूवर नहीं करूँगा और ना ज़्यादा इसको तेज़ चलाऊँगा, आराम आराम से सिटी लाइफ की ही बात करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके सिटी में ही कार को ड्राइव करते हैं। एकदम से एक्सेलरेट होती है, स्पोर्ट मोड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अगर बात करें सस्पेंशन के वर्क की, तो सस्पेंशन भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। थोड़ा सा जो मुझे इसमें एक पॉइंट लगा वो है कि हुड जो है वो काफ़ी मैसिव है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसके साथ थोड़ा अपने हैबिट बनाने में। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 205 mm का ऑफर करती है कार, जो एक और बहुत अच्छा और एडवांटेजियस पॉइंट है इस कार के लिए। बट यहाँ थोड़ा सा पूरे 5000 RPM तो रेव कर जाती है, विच इज़ अनदर गुड पॉइंट। थोड़ी सी वोकल है क्योंकि अभी मैं इसे स्पोर्ट मोड में डाल रखा है और 70 की स्पीड तो आराम से टच कर ली। बाकी अगर MID की बात करूँ तो MID बहुत ज़्यादा अच्छा है, निसान मैग्नाइट के कंपैरिजन में बहुत अच्छे बड़े बड़े आप इसमें स्पीड देख सकते हैं, अपनी RPM देख सकते हैं और फ्यूल भी देख सकते हैं। उसके बाद गियर चेंज इंडिकेटर भी आपको यहीं देखने को मिलता है, यानी ये एनिमेशन आप देख ही सकते हैं। उसके बाद ये तो हुई स्पोर्ट मोड की, इसको मैं थोड़ा सा इको मोड पर ले जाऊँ अगर, तो ये है इको मोड, तो पूरा हार्ड मैंने प्रेस कर दिया, स्टिल धीरे धीरे उठ रही है, तभी तो ये इको मोड है। तो इको मोड में आपको बेस्ट इन क्लास फ्यूल इकोनॉमी ऑफर करेगी ये कार। एक और अच्छी चीज़ जो है वो इस कार के बारे में वो है कि आपको चलते हुए अगर मोड चेंज करने, तो आप चलते हुए भी कर सकते हैं। अब मैं उस स्पोर्ट मोड पे AC मैंने ऑफ कर दिया, तो अब उठाते हैं इसे फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर ऑफ, वो अराउंड 4 to 5000 RPM तो बहुत जल्दी और बहुत क्विकली हो गई है। 5000 RPM के बाद थोड़ी सी वोकल हो जाती है, जैसे आपने देखा काफ़ी अच्छे से वर्क करा और थर्ड गियर में ही अराउंड 60 to 80 की स्पीड टच कर लेगी, जो बहुत अच्छी। ये देखें आप सस्पेंशन का काम देखिए कितने अच्छे से कर रखा है, इतना बड़ा यहाँ पर गड्ढा था कि आराम से निकल गया और यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक हर्डल था, बहुत प्यारे से निकल गई, बहुत ही अच्छी चीज़ है इस कार के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है अराउंड 6,50,000 से ऑन रोड दिल्ली, जो टॉप मॉडल और जो बेस मॉडल के लिए, और अगर टॉप मॉडल की बात करूं तो वो आपको और कॉस्ट करेगा अराउंड 11,30,000 के आसपास। प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखी गई है और इस कार में आपको 4 variant अवेलेबल है और बाकी बहुत सारी आपको कंपनी फिटेड एक्सेसरीज भी मिलते हैं जो आप इसमें लगवा सकते हैं, तो उससे आपकी जो कार है वो और ज़्यादा यूजफुल फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।